हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में अगेन मैं करने वाली हूँ रिव्यू। आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था टू ट्राई आउट न्यूली लॉन्च प्लम फाउंडेशन एंड कंसीलर, एंड इसी वीडियो में मैंने के ब्यूटी का भी न्यू लॉन्च दैट इज़ देयर इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, ये भी मैंने ट्राई आउट किया है। सो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ ट्राई ऑन मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखना, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले ना मैं ये के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लगाऊंगी, एंड इसका शेड शैम्पेन में है। सो मैं इसको सिर्फ एक साइड पे ही लगाऊंगी, सो दैट विल गेट टू नो दैट हाउ इट लुक्स, स्किन कैसी लगती है आफ्टर फाउंडेशन जब आप इसको लगा लोगे। लेट मी जस्ट ग्रैब माय मिरर एंड लेट्स सी। सो दिस साइड आई डोंट हैव एनी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर और एनीथिंग ऑन। इधर मैंने वो लगाया हुआ है जिससे आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत शीन मुझे मिला है। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज कि ये ओवर पावरिंग नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट लगा मेरी स्किन पे, एंड एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो इसने मुझे दे दिया है। सो जो बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, दैट इज़ द टेक्स्चर, दैट्स वेरी वेरी लाइट वेट। आई मीन आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग द टेक्स्चर टू बी दिस लाइट वेट। आई हैव यूज सो मेनी प्राइमर ऑयल्स, बट आई हैवेंट यूज समथिंग लाइक दिस जो कि इतना यू नो, जो कि इतना लाइट वेट है एंड डजेंट हैव एनी चंकी शिमर पार्टिकल, दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड ओवर द टॉप नहीं लगता है। सो इफ यू वॉन्ट दैट ल्यूमिनोसिटी अपने स्किन पे, सो यू कैन अप्लाई दिस विदाउट इवन एनी मेकअप। तो ये विदाउट मेकअप भी काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बहुत ही प्यारे सा शीन आपको देगा, एंड इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। आई फील इंडियन मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अभी तक तो लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसके क्लेम्स पढ़ लेते हैं एक बार। सो दिस इज़ के ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप्स एनरिच्ड विथ हाइलुरोनिक एसिड। सो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से आप देखोगे कि स्किन थोड़ी सी प्लम्ड अप लगती है, एंड दिस इज इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप्स मेकअप दैट केयर्स। एंड इसमें ना चार शेड्स अवेलेबल थे, बट मैंने लिया था शैम्पेन शिमी। आई कुड हैव गॉन फॉर द गोल्डन वन, बट फिर मुझे ना लगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्डन हाईलाइटर्स एंड प्राइमर ऑयल्स, सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन। सो पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी स्लीक। इट कम्स, ये ना सबसे पहले इस तरीके की कैप पैकेजिंग में आया था, एंड देन इसके अंदर एक ये ड्रॉपर भी था। सो इस तरीके से आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, जो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड इनका जो पैकेजिंग है इट्स वेरी वेरी सिमिलर जो इनकी पहली पैकेजिंग थी। नाउ अगर बात करें इसके प्राइस पॉइंट की, सो ऑब्वियसली प्राइस इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। दिस इज फॉर 999, एंड मैंने इसको लॉन्च डे पे खरीदा था तो मुझे 899 का मिल गया था। एंड इसका अगर हम ml की बात करें तो इसका 30 ml ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है 33 rupees पर ml, सो दैट अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है सो यू नो दैट इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि विंटर्स में ना आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। आई फील स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स ना, अगर आप रोज ऑफिस जाते हो, यू डोंट वांट टू डू दैट मेकअप, एंड थोड़ा सा आपको ग्लो चाहिए अपने फेस पे, जस्ट अप्लाई दिस एंड कॉल इट अ डे। इट लुक्स रियली रियली हेल्थी आई फील। अभी हम इसके ऊपर फाउंडेशन भी ट्राई करेंगे, बट उससे पहले इसलिए मैंने इसको एक साइड पे लगाया, सो दैट यू नो कि इसको लगाने के बाद कैसा लगता है एंड विदाउट बेयर फेस वो कैसा लगेगा। सो या, एंड इसके अंदर आपको शेल्फ लाइफ भी दी हुई है, दैट इज 922 को ये बना है, 25 तक आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। सो यू हैव 3 years टू यूज दिस, विच इज आई फील अ लॉट। देखो सूखने के बाद ना पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी ऑयली भी नहीं है एग्जैक्टली, जेल लाइक भी नहीं है एग्जैक्टली, इट्स अ मिक्स ऑफ दोज टू। सो इसको हम अभी रहने देते हैं अपने फेस पे, एंड ऑफ द वीडियो पे हम देखेंगे कि कैसा लगता है। नाउ नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये प्लम का सॉफ्ट ब्लेंड वेटलेस फाउंडेशन। दे से इट हैज़ अ मैट फिनिश एंड इट इज़ लॉन्ग वेयर। इस तरीके से इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग है, विच आई फील इज प्रिटी। एंड नेट वेट जो है 30 ml है, रिटेल्स फॉर 699। मेरा शेड इसके अंदर है 130N टैन ग्लो। नाउ द प्रॉब्लम वॉज विद द शेड रेंज, बिकॉज अगर टैन में आप येलो भी रख सकते थे, बट मुझे लेना पड़ा ये न्यूट्रल में, बिकॉज येलो अंडरटोन में था ही नहीं, बिकॉज माई स्किन हैज़ अ वार्म अंडरटोन, बट इट वॉज इन देयर। सो दे क्लेम दैट इट इज़ अ ड्रीम बेस, दिस इज लाइट वेट, नॉन स्टिकी एंड कम्फर्टेबल, दिस विल मेक मेक श्योर दैट यू फॉरगेट दैट यू आर वेयरिंग अ फाउंडेशन। सो इस तरीके से कुछ है या, एंड इसमें लिखा हुआ है दैट इट इज 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, टॉक्सिक केमिकल नहीं है, कीप द ब्यूटी रियल। सो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और टैल्क फ्री फार्मूला है, कोकोनट वाटर एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है एंड हाइलुरोनिक एसिड है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड एज यू गाइस नो दैट आई एम ऑल्सो टेस्टिंग आउट के ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। सो आई हैव अप्लाइड दैट इल्यूमिनेटर ऑन वन साइड ऑफ माई फेस, एंड दूसरे साइड पर मैंने कुछ नहीं लगाया है। यू कैन सी ऑल स्वेट कमिंग ओवर। तो इसको मैं एक तरफ ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी, एक तरफ ब्रश से लगाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एप्लीकेशन।
ऑलराइट गाइस, सो हियर वी आर. सो आई हैव अप्लाइड द फाउंडेशन. तो एक तरफ मैंने इधर ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया था एंड एक तरफ मैंने ब्रश से अप्लाई किया था. नाउ डेफिनेटली द ब्रश साइड इज मच मोर, इट इज गिविंग यू मच मोर कवरेज. एंड इस साइड पे मैंने इल्यूमिनेटिंग प्राइमर भी अप्लाई किया था, बट आई कांट सी मच डिफरेंस बिकॉज दिस फाउंडेशन इज नॉट मैट लाइक दे से. इट हैज़ अ वेरी सॉफ्ट ब्लेंड, दैट आई अग्री. इट हैज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट ब्लेंड. दे से इट हैज मैट फिनिश, आई डोंट अग्री बिकॉज इट हैज अ वेरी सैटनी मैट का टाइप का कवरेज. सो एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने अभी पाउडर से इसको सेट नहीं किया है, इट हैज स्टार्टेड टू क्रीज फ्रॉम हियर. एंड इफ यू अप्लाई लिटिल बिट मोर, अगर आप ज्यादा ही टू मच कर देते हो तो इट कैन लुक अ लिटिल बिट केकी. इट इज ऑल्सो एम्फसाइजिंग माई टेक्स्चर. सो बेसिकली ये फाउंडेशन लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगाएगा दैट यू आर वेयरिंग अ फाउंडेशन. फाउंडेशन इट विल गिव यू अ वेरी नाइस सॉफ्ट ब्लेंड. एंड आई डोंट नो अबाउट लॉन्ग वेयर, आई हैव टू वेयर इट. वी विल डू अ चेक इन, देन यू विल अंडरस्टैंड. बट आई लाइक द फैक्ट दैट इट इज नॉट गिविंग मी वेरी हैवी फिनिश, जो कि कभी कभी होता है, बट इट इज नॉट मैट. इट हैज दैट सॉफ्ट मैट का फिनिश. ये बहुत ज्यादा डूई नहीं है बट इट्स नॉट मैट ईदर. एंड माई फेस इज लिटिल बिट स्टिकी. वी विल डू अ ट्रांसफर टेस्ट, सो लेट्स सी इफ इट ट्रांसफर्स और नॉट, बट दैट वी विल डू थोड़ी देर बाद. उससे पहले बात कर लेते हैं कंसीलर की. सबसे पहले आप देख लीजिए कंसीलर का एप्लीकेशन. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये सॉफ्ट ब्लेंड लिक्विड कंसीलर. एंड इसमें मेरा शेड जो है वो है 125N सनसेट ब्रॉन्ज. अगेन शेड रेंज इज नॉट दैट गुड, थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना शेड रेंज, तभी थोड़ा सा अच्छा होगा. रिटेल्स फॉर 599 रुपीज, विच आई फील इज एक्सपेंसिव. फाउंडेशन वॉज ऑल्सो फॉर 599, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 699, बट इट इज़ फॉर 599. मुझे ये सारा डिस्काउंट पे मिला था, 15% ऑफ पे मैंने खरीदा था. प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे दैट इज A3E15, आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा अपने कोई भी ऑर्डर पे. सो उसका लिंक वगैरह मैं सब दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. सो दे से दैट इट हैज़ अ स्मूथ सुपर लाइट मैट फिनिश, कंसील्स डार्क सर्कल, हेल्प्स रीच दैट स्कल्प्टेड लुक, एक्सेंचुएट योर फीचर्स, कवरेज एंड ऑल. 100% वीगन. आपको पता है कि प्लम के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं. द थिंग इज दैट इट इज टैल्क फ्री फॉर्मूला विद हाइलुरोनिक एसिड. सेम एक्सट्रैक्ट्स जो आपने फाउंडेशन में पढ़े थे वो भी इसमें ही हैं, इसमें भी वो सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं. नाउ दे से दैट इट हैज़ अ गुड कवरेज, हाई कवरेज. आई बेग टू डिफर बिकॉज इसका कवरेज उतना नहीं है. अगेन इट हैज़ अ वेरी नेचुरल फिनिश. आई फील कवरेज बोलने के लिए इट्स नॉट दैट मच. बट द हेयर इज द थिंग दैट आई लाइक इट बेटर दैन द मामा अर्थ वन, क्योंकि उसका कवरेज तो बिल्कुल जीरो है. इसका तो स्टिल थोड़ा बहुत कवरेज आप देख सकते हो. पैकेजिंग भी बड़ी क्यूट सी है, इस तरीके से आपको यू नो मिल जाएगी. थोड़ी सी फ्लिम्सी है, दिस वॉन्ड इज अ लिटिल बिट फ्लिम्सी. अदर देन दैट दिस इज ओके प्रोडक्ट. सो माई प्रॉब्लम विद दिस वन इज दैट यू आर कीपिंग इट फॉर 599 एंड पैकेजिंग तो आप अच्छा दे सकते हो, क्योंकि जो स्विस ब्यूटी का भी कंसीलर आता है वो 199 200 का आता है, उसका भी पैकेजिंग इज मच बेटर देन दिस वन. क्योंकि इसका जो ये है ना, ये फ्लिम्जी, आप देखो ये हिलता है. दिस इज वेरी वेरी फ्लिम्जी, सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट. सेम मामा अर्थ का कंसीलर का पैकेजिंग वॉज ऑल्सो लाइक दैट, सो आई डोंट नो. एंड मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी दैट इफ प्लम फाउंडेशन इज बेटर और सेम लाइक मामा अर्थ. तो मामा अर्थ इज अ सीरम फाउंडेशन, सो इट ग्लोज इससे थोड़ा सा ज्यादा. अगर आपको उतना ग्लोई, उतना सीरम ही नहीं पसंद, यू कैन गो फॉर दिस. क्योंकि क्या आप देख सकते थे, इज गिविंग यू अ वेरी सॉफ्ट मैट फिनिश. प्लस इसका शेड आई फील इज गुड फॉर मी. ओके, अ न्यूट्रल अंडरटोन है बट गुड है. एंड यहाँ पे मैंने ये स्वॉच पहले ही कर लिया है, इट इज लुकिंग ऑरेंजिश. मैं आपको इसका एक फ्रेश स्वॉच करके दिखाती हूँ एंड देखते हैं अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ या नहीं. सो दिस इज द स्वॉच आई एम डूइंग. This is the fresh swatch. This one is the fresh swatch. This was the earlier swatch. So I feel oxidized उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है. What do you guys say? I think so. कि oxidized तो बिल्कुल नहीं हुआ है. And it is same I feel. So it doesn't oxidize as much on my skin.
क्योंकि स्किन टू स्किन भी डिफरेंट करता है, डिफर करता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑल द मेकअप एंड कम बैक एंड देन सी हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू माई फाइनल ओपिनियन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. सो स्टे ट्यून्ड. ऑल राइट गाइस, सो दिस इज व्हाट माई फेस लुक्स लाइक आफ्टर फुल फेस ऑफ मेकअप. बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं लगाया है बट येस दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू कि कैसा लग रहा है मेरा फेस. आई हैव अप्लाइड अ क्रीम ब्लश, अ ग्लॉस, या एंड ब्रॉन्जर, प्रीटी मच इट. आई डिड नॉट पाउडर बाय द वे. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द के ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर फर्स्ट. सो मैंने इसको इस साइड पे लगाया था अपने, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा ग्लोई इस बेस को इसने बना दिया है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन था वो मैट नहीं था ज़्यादा, तो दैट इज़ वाई माई फेस लुक्स ग्लोई फ्रॉम बोथ द साइड्स. बट इस साइड से थोड़ा इस साइड से थोड़ा सा आपको यू नो चेंज लगेगा. प्लीज़ इग्नोर द बॉटल जो पीछे रखी हुई है. इन द इंटायर वीडियो आई फॉरगॉट टू यू नो इसको हटाना. सो थोड़ा सा ये ग्लोई ज़रूर है. सो माई टेक इट इज़ रियली गुड एंड ये ओवर द टॉप नहीं है. जितने भी मैंने आज तक फॉर्मूला यूज़ किया है ना प्राइमर ऑयल का या शिमरिंग प्राइमर्स का, उन सबसे हटके है ये. प्लस इट इज़ गिविंग मी फील ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट, बल्कि इसका प्राइस इज़ नॉट दैट हाई एंड. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू एटलीस्ट परचेज वन. आप अभी पिंक फ्राइडे का सेल का वेट कर सकते हो जो कि नायका पे आएगी, तो आप इसको तब खरीद लेना. बट इट इज़ रियली गुड. जनरली के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर माई फेवरेट एंड यू नो मुझे कुछ प्रोडक्ट उनके पसंद नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स स्पेशली देयर बेस्ड प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो इस तरीके से कुछ फेस दिख रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन. नाउ दिस फाउंडेशन आई थिंक आई नीड 3 pumps. 1 pump फॉर माई दिस साइड ऑफ फेस, 1 फॉर दिस एंड फोरहेड के लिए. सो आई लव दिस फाउंडेशन बाय द वे बिकॉज इट इज गिविंग मी दैट ग्लो. इट्स नॉट वेरी वेरी डूई, इट्स नॉट ओवर द टॉप मैट एंड बहुत ज़्यादा मैट नहीं है एंड काफ़ी अच्छा सा एक फिनिश देता है. एंड लेट मी जस्ट सी इफ इट ट्रांसफर्स ऑन नॉट. लेट्स टेस्ट दिस आउट. आई हैव दिस कॉटन पैड ओवर हियर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस इट. ओके, इट कम्स ऑफ एवर सो स्लाइटली बिकॉज आई स्वेट अ लॉट फ्रॉम दिस साइड ऑफ माई फेस, बट ये यहाँ से हट नहीं रहा है. द गुड थिंग इज दिस, प्लस थोड़े से यहाँ पे स्माइल लाइन्स को ये एक्सेंचुएट करता है. जैसे मेरे यहाँ पे स्माइल लाइन्स हैं एंड आई वुड से कि येस इट ऑल्सो एक्सेंचुएट्स पोर्स. अगर आपको पोर्स हैं तो एक्सेंचुएट ये ज़रूर करेगा बिकॉज इट्स यू नो इट्स नॉट वेरी मैट, सो इसलिए ये पोर्स को एक्सेंचुएट करता है. बट आई कैन से ओवरऑल कि बहुत फ्रेश लुक देता है. सो इट इज़ मोर लाइक स्किन टिंट थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज के साथ. सो या सो ओवरऑल आई लाइक इट. आई वुड रिकमेंड यू गाइज यू कैन पिक दिस अप स्पेशली ऑन सेल एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड. आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कंसीलर. सो आई हैवंट पाउडर्ड माई अंडर आइज एंड आई कैन सी इट हैज स्टार्टेड टू क्रीज फ्रॉम हियर इफ यू कैन सी. सो या इट हैज स्टार्टेड टू क्रीज एंड I am not a very big fan of this concealer. It doesn't have coverage, good coverage. I don't know why brands make concealer like this. I mean, मुझे concealer में थोड़ा तो coverage चाहिए ना, otherwise I will apply a skin tint. I'm fine with it. But I don't think it has given me any coverage. So a big no for the concealer because I did not like the concealer that much. मैंने इस मेकअप को भी पहना हुआ है. मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा चेक इन करके कि कैसा लगता है. But so far I like the foundation and the illuminating primer. You can skip the concealer, it's not that good. So I will come up with a check-in after some time. Okay guys, so ye jo check-in hai na, ye hai 1 hour ke baad and I can see that I am sweating but the foundation is not coming off and concealer jo tha na wo yahan se hat chuka hai and you can see so much of sweat coming over. So again, I will meet you before the day ends. So I'll see you guys.